क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए, ये हम लोग आराम से करेंगे, समझ के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप लोग को ये पहले से आ रहा है तो आप लोग डबल के स्पीड में देख सकते हो या आप लोग खुद से बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाला वीडियो क्या था, तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का था, प्लस में जनरल एंट्री का रिविजन वहाँ पर कराया था मैंने, तो वो वाले आप लोग वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो में आकर के आप लोग देखना स्टार्ट कीजिए। और हाँ, जनरल एंट्री वाला पहले देख लीजिए, 25 कंसीडरेशन वाला जो भी है वो आप लोग पहले देख के आ रहे होंगे, उसके बाद ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखे होंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। तो यहाँ पे हम लोग को दोनों ही कंपनी का बैलेंस शीट दे रखा हुआ है एज एट 31 मार्च 2021। इसमें बैलेंस शीट में क्या दे रखा हुआ है, सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस जो एक्स लिमिटेड का भी है, प्लस में वाई लिमिटेड का भी है, और यहाँ रुपीज में क्या दे रखा हुआ, तो यहाँ पे 1000 में दे रखा हुआ हम लोग को अमाउंट। ओके, अब आगे क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग है, फिर करेंट लाइबिलिटी में हम लोग को ट्रेड पेबल दे रखा हुआ, फिर अदर करेंट लाइबिलिटी दे रखा हुआ है। सम्स में आगे बढ़ जाए तो हम लोग को क्या दे रखा हुआ, एसेट दे रखा हुआ, जिस एसेट में नॉन करेंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर करेंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, और उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। फिर जब आगे और बढ़ते हैं तो हम लोग को दे रखा है नोट्स टू अकाउंट, और नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल सबसे पहले, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच जो है 50 लाख का, प्लस में 30 लाख का, फिर 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 100 ईच है जो है 22 लाख का, एंड 17 लाख का। आगे रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दे रखा हुआ है, उसके बाद एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एक आप लोग मार करके और यहाँ बुक के ऊपर में लिख लीजिए, बुक के ऊपर में एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ये क्या होता है, तो स्टैट्यूटरी रिजर्व होता है, तो ये मार्किंग करके आप लोग लिख लीजिए कि स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या होता है, तो एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व होता है स्टैट्यूटरी रिजर्व। फिर इन्वेस्टमेंट अलायंसेस रिजर्व, तो ये तो आप लोग को पता ही है पहले से कि ये होता है स्ट्रेटेजरी रिजर्व। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे हम लोग को जनरल रिजर्व, यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस में 4 आइटम दे रखा हुआ, जिसमें जनरल रिजर्व दे रखा हुआ है, उसके बाद एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलायंसेस रिजर्व, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे समझो जब आगे बढ़ते हैं तो क्या दे रखा हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में 13% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच जो दोनों ही कंपनी का है, उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिर फर्नीचर, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में दे रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट जो हम लोग को दे रखा हुआ है 7 लाख का। अब हम लोग के पास बाकी में इन्फॉर्मेशन दे रखा है और इस इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड होगा सब उसमें वो हम लोग को बनाना होगा। तो देखिए, एक्स लिमिटेड टेक ओवर वाई लिमिटेड, तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, टेक ओवर कर रही है वाई लिमिटेड को, तो एक्स लिमिटेड कौन सा कंपनी हो गया, तो एक्स लिमिटेड हम लोग को क्या हो गया, न्यू कंपनी, और वाई लिमिटेड क्या हो गया, यहाँ पे ओल्ड कंपनी। ये समझ में आ गया ना आप लोग को, देखिए एक्स लिमिटेड टेक ओवर वाई लिमिटेड, इसका मतलब एक्स लिमिटेड क्या हो गया न्यू कंपनी और वाई लिमिटेड क्या हो गया ओल्ड कंपनी। ऑन 1 अप्रैल 2021 एक्स लिमिटेड डिस्चार्ज द परचेज कंसीडरेशन एज बिलो, तो यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन इस तरह से दिया जा रहा है। तो परचेज कंसीडरेशन में क्या दे रखा हुआ, फर्स्ट नंबर पे तो इशूड 3,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पर टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड, मतलब ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को यहाँ पे 3,50,000 इक्विटी शेयर दिया जाता है और वो भी 10 ईच का। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या बोला, इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है 100 ईच का, टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड एट अ 10% प्रीमियम, तो यहाँ पे 10% प्रीमियम में इशू किया जा रहा है। उसके बाद सम्स में क्या बोला, द डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इंटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ एक्स लिमिटेड, तो यहाँ पे जितना वाई लिमिटेड का डिबेंचर था नंबर में उतना यहाँ पे एक्स लिमिटेड का भी होगा। फिर द स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर 2 ईयर, तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी रिजर्व को यहाँ पे नेक्स्ट 2 ईयर तक यहाँ मेंटेन करना हम लोग को है। आगे सम्स में क्या बोला, सो द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर अमलगमेशन ऑन द एजम्पशन डेट, तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड कौन सा कंपनी हो गया, न्यू कंपनी, तो न्यू कंपनी में हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है और यहाँ पे एजम्पशन फर्स्ट नंबर पे लेना है, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, तो हम लोग को पहले मर्जर के हिसाब से करना है, उसके बाद अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज, तो हम लोग को नेक्स्ट में परचेज के हिसाब से हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है। तो दोनों ही हम लोग को दे रखा है, एक बार मर्जर के केस में बनाना, प्लस में एक बार परचेज के केस में भी हम लोग को बनाना है। और ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा था, इन्फॉर्मेशन में क्या, ये परचेज कंसीडरेशन के लिए इन्फॉर्मेशन था, प्लस में बोला कि जो ओल्ड कंपनी का डिवेंचर होल्डर था वो न्यू कंपनी में डिवेंचर होल्डर बन जाएगा, प्लस में स्ट्रेटेजी रिजर्व को यहाँ पे 2 साल तक मेंटेन करके हम लोग को रखना है। तो बताइए आप लोग,
मर्जर के केस में स्टैटिक रिजर्व हम लोग मेंटेन करते थे, तो आंसर इज नो, तो मर्जर के केस में स्टैटिक रिजर्व मेंटेन नहीं होता था। और मर्जर की कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग के पास पांच कंडीशन था। फर्स्ट क्या था कि 90% जो शेयर होल्डर है, जो 90% शेयर होल्डर है ओल्ड कंपनी का, वो न्यू कंपनी का शेयर होल्डर होगा। इसका मतलब मैक्सिमम डिसेंडिंग कितना हो सकता है, 10%। सेकेंड में कंसिडरेशन, जो भी कंसिडरेशन मिलेगा ओल्ड कंपनी के डिवेंचर, ओल्ड कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर को न्यू कंपनी से, वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल में। थर्ड में क्या था कि एसेट एंड लायबिलिटी जितना भी होगा प्लस में रिजर्व होगा, जो सारा टेक ओवर करके ले जाएंगे न्यू कंपनी। फिर फोर्थ कंडीशन में एसेट एंड लायबिलिटी का यहाँ पे रिवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ कंडीशन में जो ओल्ड कंपनी का बिजनेस था वही न्यू कंपनी का बिजनेस होना चाहिए। ये हम लोग का था पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट में था, जिसे मर्जर बोला जाता था, मर्जर के केस में। और मर्जर के केस में हम लोग जनरलिटी देखे थे, फिर परचेज केस में भी हम लोग जनरलिटी देखे थे इससे पिछले वाले वीडियो में, तो वो जनरलिटी आप लोग देख लिए होंगे। प्लस में उसमें पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड का भी था, वो भी आप लोग देख के आए होंगे, तभी आप लोग को समझ में आएगा, समझे। तो देखिए ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन था। अब इस इन्फॉर्मेशन से सबसे पहले क्या निकालना, तो सबसे पहले निकालना है हम लोग को परचेज कंसिडरेशन। तो कॉपी में आ जाइए, बनाते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब ध्यान दीजिए, परचेज कंसिडरेशन का दो मेथड होता था। एक होता था क्या, नेट एसेट मेथड होता था, एक होता था नेट एसेट मेथड होता था, और एक क्या होता था, नेट पेमेंट मेथड। तो ध्यान दीजिए, हम लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस लेना है नेट पेमेंट पेमेंट मेथड में। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता था कि कितना इक्विटी शेयर होल्डर वाले को दिया जाता है, प्लस में कितना प्रेफरेंस शेयर वाले को दिया जाता है, तो वो इस सम्स में दे रखा हुआ है कि नहीं। तो आंसर इज यस, इसमें तो दे रखा हुआ है कि कितना हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर वाले को देना है, प्लस में कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को देना है। तो इस केस में हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे नेट पेमेंट मेथड। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं दे रखा होता तो उस टाइम में हम लोग जाते हैं नेट एसेट मेथड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेट पेमेंट मेथड में। तो लिखिए, हम लोग इस तरह से टेबल बनाते थे ना, तो पेमेंट टू फिर पेमेंट इन, फिर यहां हो जाता था वर्किंग, और ये आ जाता हम लोग का अमाउंट। इसी तरह से करते थे, पेमेंट टू पेमेंट इन फिर वर्किंग, फिर क्या होता था अमाउंट होता था। अब पेमेंट टू में, पेमेंट टू में क्या करते थे हम लोग, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर को हम लोग पेमेंट करते थे। क्या चीज में करते थे, तो इक्विटी शेयर में। और यहाँ सम्स में क्या बोला है कि इक्विटी शेयर होल्डर वाले को पेमेंट के बजाय यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा हुआ है, तो ये हम लोग को है कि 3,50,000 इक्विटी शेयर देना है, जो कितने का 10 ईच करके हम लोग को न्यू कंपनी में देना है। तो यहाँ पे 3,50,000 और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, क्योंकि 10 इशू प्राइस हो गया। और कितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दे रखा हुआ है, कितना देना है, तो ये मल्टीप्लाई करके हम लोग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अमाउंट में 35 लाख। ये समझने में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को इक्विटी शेयर दिया, और यहाँ पे 3,50,000 इंटू 10 जो हम लोग का क्या आ गया, वर्किंग में आ गया, प्लस में ये अमाउंट में कितना आ गया, तो 35 लाख हम लोग का आ गया। फिर प्रिफरेंस शेयर होल्डर, तो प्रिफरेंस शेयर होल्डर वाले को क्या दिया जा रहा है यहाँ पे, तो प्रिफरेंस शेयर दिया जा रहा है, और कितना दिया जा रहा है प्रिफरेंस शेयर, तो यहाँ पे सम्स में क्या बोला कि इशूड 15% प्रिफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रिफरेंस शेयर ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। यहाँ पे 10% प्रीमियम में डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले 15% प्रेफरेंस शेयर दिया जा रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए 15% प्रेफरेंस शेयर। अब चेक करते हैं प्रेफरेंस शेयर कितना है, तो ओल्ड कंपनी था हम लोग का वाई लिमिटेड, तो वाई लिमिटेड में प्रेफरेंस शेयर कितना है, तो वाई लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर हम लोग का नोट्स टू अकाउंट में होगा, तो नोट्स टू अकाउंट में 13% प्रिफरेंस शेयर वाई लिमिटेड का, और ये कितना दे रखा हुआ यहाँ पे 350 मतलब 3,50,000 3 जीरो में दे रखा हुआ, तो यहाँ पे 3,50,000 ये हम लोग का क्या था डिबेंचर में, मैंने क्यों ले लिया, प्रिफरेंस शेयर का ले रहा था ना, प्रिफरेंस शेयर कहाँ, ये रहा प्रिफरेंस शेयर। 14% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 इज, जो वाई लिमिटेड में कितना 1,700, इसका मतलब 17 लाख हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए 17 लाख जो प्रिफरेंस शेयर का था,
यहाँ पे 17 लाख इंटू 17 लाख का तो हम लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और इसमें 10% प्रीमियम में इशू किया जा रहा है, इसे डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे 10% प्रीमियम मतलब 110% से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझ में आया ना? देखिए 100 तो इसे नॉर्मली पे करना होता था, 100 तो पे करना होगा किसके बदले, तो फेस वैल्यू के बदले। और यहाँ बोला सम्स में कि 10% प्रीमियम भी पे करना है, इसका मतलब 110 पे करना है, तो 110 पे करना है, इसका मतलब कितना परसेंट हुआ था, 110%। ये भी समझ में आ गया आप लोग को? तो ये कितना आता है 110% करने से, तो 17 लाख इंटू 110%, तो ये हम लोग आ गया 18 लाख 70 थाउजेंड। 18 लाख 70 थाउजेंड ये हम लोग का क्या आ गया, तो ये हम लोग आ गया अमाउंट में। फिर टोटल कर देते हैं, तो ये टोटल करने से हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ परचेस कंसिडरेशन 18 लाख 70 थाउजेंड प्लस 35 लाख, तो ये आ गया 53 लाख 70 थाउजेंड। तो 53 लाख 70 थाउजेंड हम लोग का क्या आ गया, तो पेमेंट परचेज कंसिडरेशन आ गया। तो हम लोग का फर्स्ट काम हो गया, जो वर्किंग नोट में हम लोग को बनाना होता क्या होता है कि परचेज कंसिडरेशन हम लोग को सबसे पहले निकालना होता था। ये हम लोग का हो गया वर्किंग नोट नंबर 1 सम्स में। तो फाइनल हम लोग को क्या बोला कि हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, तो ये हम लोग का वर्किंग नोट हो जाएगा। और सबसे पहले हम लोग का क्या हो गया, परचेज कंसिडरेशन का हो गया। अब सेकेंड में बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट बनाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे जर्नल एंट्री बनाएंगे, पहले जर्नल एंट्री बनाएंगे एंड उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। बस आप लोग को समझाने के लिए यहाँ जर्नल एंट्री बता रहा हूँ। अगर ये सब सम्स अगर एक बार आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो बिना जर्नल एंट्री का आप लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट भी बना सकते हो, बट आपको समझाने के लिए यहाँ पे जर्नल एंट्री बना रहा हूँ। तो आ जाइए बनाते हैं जर्नल एंट्री। एक काम करते हैं, दोनों ही केस में एक ही साथ बना देता हूँ, जो हम लोग का परचेज का केस था प्लस में मर्जर का केस था, दोनों ही केस में हम लोग एक ही बार में जर्नल एंट्री बना लेते हैं। ये आ जाइए अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज और क्या नेचर ऑफ मर्जर। तो दोनों ही केस में हम लोग एक ही बार जनरल एंट्री बनाएंगे। तो आ जाइए परचेज के केस में, फर्स्ट केस में हम लोग का क्या एंट्री होता था, तो हम लोग का फर्स्ट एंट्री होता था बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री होता था बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ये कितना होता था, तो ये हम लोग का परचेज कंसिडरेशन से होता था, और परचेज कंसिडरेशन हम लोग कितना निकाल चुके हैं, तो 53 लाख 70 थाउजेंड। यहां लिख दीजिए 53 लाख 70 थाउजेंड। बीइंग बिजनेस परचेज्ड, और इस केस में क्या हो जाएगा जनरल एंट्री, तो सेकेंड इस केस में फर्स्ट एंट्री हो जाएगा बिजनेस परचेज के बदले में क्या आ जाएगा, तो बिजनेस मर्जर आ जाएगा। तो यहां लिख दीजिए बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट कितना से, तो यहां पे 53 लाख 70 थाउजेंड से टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। ये भी हम लोग आ जाएगा 53 लाख 70 थाउजेंड से, बीइंग बिजनेस मर्ज्ड। ये हम लोग का फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गया। इसमें तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है हम लोग का फर्स्ट एंट्री में। अब सेकेंड एंट्री में देखिए सेकेंड एंट्री में क्या होगा, तो सेकेंड एंट्री में हम लोग एसेट जो भी होता था टेक ओवर करते थे। तो देखिए आ जाए बैलेंस शीट में एसेट क्या क्या दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी दे रखा, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर हो गया, फिर इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट, और तो एसेट नहीं है ना, प्लांट एंड मशीनरी नॉन इन्वेस्टमेंट, फिर करंट इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास एसेट में तो बस इतना ही दे रखा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का, फिर करंट इन्वेस्टमेंट में हम लोग को ये दे रखा हुआ है। तो जो भी एसेट है वो हम लोग टेक ओवर करेंगे। इसी तरह से जो भी लाइबिलिटी है, जैसे अदर करंट लाइबिलिटी हो गया, फिर ट्रेड पेबल हो गया, फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या था डिबेंचर था, तो जो भी लाइबिलिटी है उसे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे टेक ओवर करेंगे। तो चलिए टेक ओवर करते लाइबिलिटी को, आ जाइए
तो सेकेंड एंट्री में एसेट में क्या क्या दे रखा हुआ था, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसमें है लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। डेबिट कितने का लैंड एंड बिल्डिंग है, तो ये हम लोग को दे रखा हुआ है 1,15,50,000, 1,15,50,000। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी जो 17 लाख है, तो यहाँ लिख दीजिए प्लांट एंड मशीनरी। सेवेंटीन लाख प्लांट एंड मशीनरी के बाद क्या है हम लोग का पास, तो फर्नीचर है 3,50,000, फर्नीचर 3,50,000 फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, यहाँ पे लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, ये इन्वेस्टमेंट कितने का है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है हम लोग के पास 5 लाख का, तो यहाँ लिख दीजिए 5 लाख। अब इसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट हो गया प्लस में क्या हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो यहाँ पे इन्वेंट्री आ गया। करंट एसेट में अगर देखेंगे हम लोग तो करंट एसेट में इन्वेंट्री आ जाएगा, यहाँ लिखिए इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। ये इन्वेंट्री कितना है, तो यहाँ पे 950 मतलब 9,50,000 का है। इन्वेंट्री के बाद क्या दे रखा हुआ, तो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल कितने का है, तो ट्रेड रिसीवेबल हम लोग के पास है 10,30,000। ट्रेड रिसीवेबल के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो यहां लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, ये कितने का दे रखा हुआ, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ 5,20,000 का। तो ये हम लोग के पास लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फिर फर्नीचर इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर इन्वेंट्री हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये तो हम लोग के पास एसेट हो गया। अब इसी तरह से ये हम लोग का जो मतलब एसेट है वो एसेट मर्जर में भी आ जाएगा, तो मर्जर में भी पहले सेम ही लिख देता हूँ, उसके बाद क्रेडिट साइड का जो भी लाइबिलिटी होगा वो हम लोग करेंगे। तो पहले जितना इस पेज में है वो लिख देता हूँ, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग ये है 15,50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग। फिर क्या दे रखा हुआ है, तो प्लांट एंड मशीनरी ये हम लोग के पास है 17 लाख का, फिर उसके बाद फर्नीचर, तो फर्नीचर कितने का दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे 3,50,000 का। फर्नीचर के बाद इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट, तो ये हम लोग के पास है 5 लाख का इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट। आगे हैं इन्वेंट्री, ये हम लोग के पास 9,50,000 का। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल, ये है 10,30,000, फिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हम लोग के पास है 5,20,000। तो ये तो हम लोग का डेबिट साइड का हो गया। इसी तरह से क्रेडिट साइड में आ जाइए, नेक्स्ट पेज में है क्रेडिट साइड का। तो डेबिट साइड में जो भी हम लोग का क्या था, डेबिट साइड में जो भी एसेट था सन्ड्री एसेट वो हम लोग टेक ओवर कर चुके हैं। इसी तरह से क्रेडिट साइड में जो भी सन्ड्री लाइबिलिटी होगा वो हम लोग टेक ओवर करेंगे। बट ये तो हम लोग का परचेज का केस है, तो परचेज के केस में हम लोग क्या चीज टेक ओवर नहीं करते, तो परचेज के केस में हम लोग टेक ओवर नहीं करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। बट यही मर्जर का केस होगा, तो उस टाइम में हम लोग को रिजर्व एंड सरप्लस भी टेक ओवर करनी है। तो चलिए टेक ओवर करते हैं। तो देखिए इसमें दे रखा हुआ है सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दे रखा हुआ है 13% डिबेंचर, तो यहां लिख देते हैं 2,13% डिबेंचर, ये कितने का दे रखा हुआ है 13% डिबेंचर, ये 3,50,000 का, ये आ जाएगा 3,50,000 ये परचेज का केस में। फिर 2 डिबेंचर हो गया हम लोग के पास, और यहां पे रिजर्व एंड सरप्लस तो हम लोग को परचेज के केस में लेना नहीं है,
तो क्या और लेना है? तो ट्रेड पेबल 3,50,000 का, ट्रेड पेबल 3,50,000 का, एंड उसके बाद ट्रेड पेबल के बाद क्या लेना है? तो यहाँ लेना है हम लोग को अदर करेंट लाइबिलिटी, जो लेना है 150 का, टू अदर करेंट लाइबिलिटी, ये लेना है 1,50,000 का। ये हम लोग को क्या आ गया? लाइबिलिटी साइड का हो गया। किसमें? तो परचेज के केस में। फिर टू, टू यहाँ क्या? तो बिजनेस परचेज अकाउंट करते थे, जो हम लोग का फर्स्ट एंडिंग का बिजनेस परचेज होता था उसे हम लोग क्रिएट करके कैंसिल करते थे। यहाँ पे टू परचेज, बिजनेस परचेज, जो फर्स्ट एंट्री में हम लोग का बिजनेस परचेज कितने का है? तो 53,70,000, यहाँ पे 53,70,000, तो ये हम लोग लिखे बिजनेस परचेज अकाउंट। अब जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा, अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर शॉर्टेज होता है तो उस टाइम में हम लोग को गुडविल लिखना होता है, और जब क्रेडिट में शॉर्टेज होता है तो उस टाइम में हम लोग को क्या करना होगा? तो कैपिटल रिजर्व लिखना होगा। बट उससे पहले एक बार मर्जर का कर लेते हैं, तो मर्जर में आ जाइए, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको फाइनल कर लेते हैं। तो टोटल कीजिए 15,50,000 प्लस 17 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 9,50,000 प्लस 10,30,000 प्लस 5,20,000, तो ये हम लोग का डेबिट साइड का टोटल कितना आ गया? 66 लाख। और यहां माइनस करेंगे 3,50,000, फिर माइनस 3,50,000, माइनस 1,50,000, माइनस 53,70,000। देखिए 3,80,000, 3,80,000 का हम लोग का शॉर्टेज है, जो क्रेडिट साइड में शॉर्टेज है, तो इसलिए लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, और इसमें लिख दीजिए बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर। ये समझ में आ गया आप लोगों को? परचेज के केस में, परचेज के केस में जो भी एसेट था, जितना भी एसेट दे रखा हुआ था वो हम लोग एसेट ले लिए, जो भी लाइबिलिटी दे रखा हुआ था वो हम लोग लाइबिलिटी ले लिए, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी रिपलेशन नहीं दे रखा हुआ था। लाइबिलिटी में यहाँ पे डिवेंचर भी हम लोग को लेना है, डिवेंचर एक बार ले लिए एंड इसके बाद हम लोग को डिवेंचर को अलग से करना है, तो ये ले लिए। अगर बैलेंसिंग फिगर क्या है? कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में शॉर्टेज था, इसलिए हम लोग कैपिटल रिजर्व आया, जो कितने का आया? यहाँ पे 3,80,000 का हम लोग का आ गया। अब इस साइड में मर्जर के केस में, तो मर्जर के केस में जो भी लाइबिलिटी है पहले वो लाइबिलिटी लेते हैं, तो 213% डिवेंचर जो कितने का है? तो ये हम लोग का है 3,50,000 फिर टू ट्रेड पेबल, ये हम लोग के पास है 3,50,000 का, उसके बाद टू अदर करेंट लाइबिलिटी, ये हम लोग के पास कितना है? ये है 15 लाख का, सॉरी 1,50,000 का। फिर टू और भी जो भी हम लोग का क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। आज ये रिजर्व एंड सरप्लस में, तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या दे रखा हुआ है? तो सबसे पहले जनरल रिजर्व, तो यहाँ पे टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व बाद में लिखेंगे जो भी बैलेंस शीट क्लियर करके होगा, तो जनरल रिजर्व के लिए एक बार के लिए छोड़ दीजिए। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व लिखते हैं पहले, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितने का दे रखा हुआ है? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, तो ये हम लोग का 2 लाख का दे रखा हुआ है, तो यहाँ लिख दीजिए 2 लाख। उसके बाद क्या दे रखा हुआ है? तो यहाँ पे हम लोग को दे रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व, जो 1 लाख का है, तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व जो है 1 लाख का। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 5 लाख का है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कितने का है? 5 लाख का। टू बिजनेस मर्जर हो जाएगा, टू बिजनेस मर्जर, ये कितने का है बिजनेस मर्जर? तो ये हम लोग के पास बिजनेस मर्जर है, ऊपर में हम लोग का जो था 53,70,000, 53,70,000, ये हम लोग के पास क्या आ गया? बिजनेस मर्जर आ गया। अब आप पूछोगे कि जनरल रिजर्व क्यों नहीं लिखे? बिकॉज जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है मर्जर के केस में, उस टाइम में हम लोग को जनरल रिजर्व लिखना होता है, इसलिए जनरल रिजर्व एक बार के लिए नहीं लिखे, दोनों में ही हम लोग नेट करके लिख देंगे। जो भी डेबिट साइड में अगर होता है तो डेबिट साइड में, अगर क्रेडिट साइड में होता है तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिख देंगे। तो ध्यान दीजिए,
डेबिट साइड का टोटल हम लोग का कितना था, तो 66 लाख था डेबिट साइड का टोटल। एक बार फिर से देख लीजिए, तो 15 लाख 50 थाउजेंड प्लस 17 लाख प्लस 3 लाख 50 थाउजेंड प्लस 5 लाख प्लस 9 लाख 50 थाउजेंड प्लस 10 लाख 30 थाउजेंड प्लस 5 लाख 20 थाउजेंड। तो ये तो हम लोग का 66 लाख आ गया था डेबिट साइड का। अब इसमें से क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, तो माइनस माइनस करते 3 लाख 50 थाउजेंड, फिर माइनस 3 लाख 50 थाउजेंड माइनस 1 लाख 50 थाउजेंड माइनस 2 लाख माइनस 1 लाख माइनस 5 लाख माइनस 53 लाख 70 थाउजेंड। तो इस टाइम में हम लोग का क्या आ रहा है, तो इस टाइम में हम लोग को डेबिट साइड में आ रहा है जो 4 लाख 20 थाउजेंड का शॉर्टेज आ रहा है। तो डेबिट साइड में शॉर्टेज आ रहा है और जनरल लेजर हम लोग नहीं लिखे, बिकॉज उस दोनों को नेट करके हम लोग लिखने वाले हैं। तो ये हम लोग का कितना है 4 लाख 20 थाउजेंड डेबिट साइड में। तो यहाँ डेबिट साइड में हम लोग को क्या लिखना है, तो यहाँ पर डेबिट साइड में लिख रहे हैं जनरल रिजर्व। ये कितने से लिखना है हम लोग को डेबिट साइड में जनरल रिजर्व, तो यहाँ लिखना है 4 लाख 20 थाउजेंड से। तो एक बार लिख देते हैं यहाँ पे 4 लाख 20 थाउजेंड से डेबिट साइड में जनरल रिजर्व। ये समझ में आ गया जनरल रिजर्व यहाँ पे डेबिट साइड में जो कितने का है 4 लाख 20 थाउजेंड का। अब ये तो हमारे पास सेकेंड एंट्री हो गया। अगर यहाँ नरेशन लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख दीजिए बी एसेट्स एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर। ये हम लोग का सेकेंड एंट्री हो गया। अब सेकेंड एंट्री के बाद थर्ड एंट्री में आप लोग चाहोगे तो लिक्विडेटर के पेमेंट कर सकते हैं, या अगर डिबेंचर का चाहोगे तो डिबेंचर का कर सकते हैं, जो भी आप लोग को करना है वो कर सकते हो। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, तो पहले हम लोग डिबेंचर को कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 13% डिबेंचर है, तो 13% डिबेंचर अकाउंट डेबिट या गया 3 लाख 50 थाउजेंड का। इस टाइम में भी आ जाएगा 13%, दोनों ही केस में तो सेम ही होता है डिबेंचर का। तो 13% डिबेंचर अकाउंट डेबिट जो आएगा 3 लाख 50 थाउजेंड टू कितना कितना परसेंट वाला, कितना कूपन रेट वाला यहाँ पे डिबेंचर ओल्ड कंपनी को न्यू कंपनी द्वारा दिया जा रहा था। तो इस केस में आ जाए कॉपी में देख, इसमें देख लेते हैं बुक में। तो बुक में यहाँ पे 15 कितना है डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड कन्वर्टर इक्विवेलेंट, तो यहाँ परसेंटेज कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब हम लोग क्या मानेंगे कि 13% ही डिबेंचर दिया गया। तो 2 13% डिबेंचर अकाउंट लिख दीजिए, 2 13% डिबेंचर यहाँ पे 2 13% डिबेंचर न्यू कंपनी का इसे मिल गया। तो ओल्ड कंपनी के डिबेंचर को न्यू कंपनी का डिबेंचर मिल गया। ये एंट्री नहीं भी करते तो हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों का कूपन रेट क्या है सेम है। तो ये एंट्री करो नहीं करो कोई बात नहीं, बीइंग डिबेंचर सेटल्ड। या बीइंग न्यू डिबेंचर इशू टू ओल्ड डिबेंचर होल्डर या टू डिबेंचर होल्डर, जो भी आप लोग को लिखना है नरेशन में लिख सकते हो। ये हम लोग का कौन सा एंट्री था, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। अब हम लोग फोर्थ एंट्री में आ जाएंगे। तो यहाँ पे फोर्थ एंट्री में आ जाए, फोर्थ एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, जो भी लिक्विडेटर है उसे हम लोग पेमेंट करेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी जो फर्स्ट एंट्री वाला था, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा फोर्थ एंट्री में लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी डेबिट, दोनों ही केस में तो सेम एंट्री होता है ना, टू इसे क्या क्या दिया जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया था, तो यहाँ लिख देते हैं सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल जो कितने का दे रखा गया था, यहाँ पे 35 लाख का जो परचेज कंसिडरेशन में था वही हम लोग यहाँ पे लिखे। देखिए परचेज कंसिडरेशन में क्या दे रखा हुआ था, तो ये रहा हम लोग के पास परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन में फर्स्ट में इक्विटी शेयर दिया गया था जो 3 लाख 50 थाउजेंड नंबर में था, और यहाँ पे 10 ही इंच दे रखा हुआ ना, अगर यहाँ पे 12 इंच रहता तो उस टाइम में हम लोग प्रेफरेंस यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम कंसिडर करते, बट यहाँ जितना फेस वैल्यू था उसी फेस वैल्यू में इश्यू किया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं लिखे। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर में यहाँ पे वैल्यू कितना हो जा रहा है 110%, इसका मतलब जो 100% होगा 17 लाख तक, 17 लाख तक जो नॉर्मल होगा, तो इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस में जो 10% से है तो वो क्या हो जाएगा, तो 10% यहाँ पे हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो चलिए ये बात लिख देते हैं यहाँ पे, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होगा 17 लाख का, और इसका 10% जो हो जाएगा हम लोग का सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आ गया 1 लाख 70 थाउजेंड का। और इसमें भी सेम लिख दीजिए, और उससे पहले ये क्या है लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी जो 5370 था परचेज कंसिडरेशन का 5370 लाख।
यहाँ भी लिख दीजिए, टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये आ गया हम लोग का 53,70,000, यहाँ पे 35 लाख, फिर यहाँ पे 17 लाख, और यहाँ 1,70,000 बीइंग पीसी पेड, परचेज कंसीडरेशन पेड। अब सबसे पहले हम लोग का क्या था, बिजनेस परचेज का भी एंट्री हो गया, सेकंड में जो भी एसेट को टेक ओवर करना था उसका भी एंट्री हो गया, डिवेंचर का भी एंट्री हो गया, उसके बाद लिक्विडेटर का हम लोग पेमेंट कर चुके हैं। और देखिए सम्स में आ जाइए, तो सम्स में यहाँ एक ये भी पॉइंट बोला था कि द स्ट्रेटेजी रिजर्व ऑफ वाई लिमिटेड इज आर टू बी मेंटेन फॉर 2 ईयर, यहाँ पे 2 ईयर तक मेंटेन करना होगा स्ट्रेटेजी रिजर्व। तो चलिए वो हम लोग एंट्री बनाएंगे, यहाँ पे मर्जर केस में स्ट्रेटेजी रिजर्व का एंट्री होता था, आंसर इज नो, तो ये सिर्फ और सिर्फ परचेज केस में होता है। तो चलिए एंट्री बनाते हैं, नेक्स्ट एंट्री कौन सा है, तो यहाँ फिफ्थ एंट्री हो जाएगा, और यहाँ फिफ्थ एंट्री में क्या होगा, तो नो एंट्री बिकॉज स्ट्रेटेजी रिजर्व तो इसमें नहीं बनता है, बिकॉज स्ट्रेटेजी रिजर्व को पहले से ये कंपनी जो मर्जर का केस होता है उसमें पहले से टेक ओवर कर लिया गया था ना, सेकेंड एंट्री में स्ट्रेटेजी रिजर्व जो ये रहा हम लोग के पास सेकेंड एंट्री में, तो पहले से टेक ओवर कर लिया गया था, इसलिए हम लोग स्ट्रेटेजी रिजर्व इस केस में नहीं बनाएंगे। कौन से केस में बनाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ मर्जर परचेज के केस में हम लोग बनाने वाले हैं। तो इस टाइम एंट्री क्या हो जाता था, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन सा रिजर्व था स्ट्रेटेजी रिजर्व में, तो रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाइए आप लोग। तो सबसे पहला था एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व जो 2 लाख का था, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ये हम लोग के पास है 2 लाख का, फिर टू क्या दे रखा हुआ है एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व के बाद इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, अलाउंस रिजर्व ये हम लोग के पास कितने का है, तो ये हम लोग के पास 1 लाख का है, और टोटल मिला के अमल कमीशन एडजस्टमेंट अकाउंट में कितना हो गया 3 लाख बीइंग स्टैट्यूटरी रिजर्व क्रिएटेड। तो ये हम लोग का हो गया पांचवा एंट्री। अब तो एंट्री कुछ भी नहीं होगा, तो देखिए इसी एंट्री से अब हम लोग क्या बनाना है, तो इसी एंट्री से हम लोग को अब बैलेंस शीट बनाना है। तो आ जाइए कॉपी में बैलेंस शीट बनाते हैं, ये समझ में आ गया ना पांचों एंट्री किस तरह से हम लोग बनाए, आप लोग को धीरे धीरे बताया, तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप लोग पीछे से फिर से देख लीजिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप लोग पूछ सकते हो, पूछना कहाँ है तो वो तो आप लोग को पता होगा, मोबाइल ऐप में पूछना है, चैट का ऑप्शन में, रिस्पेक्टिव ग्रुप में जिसमें आप लोग ऐड हुआ होगे उस ग्रुप में आप लोग को पूछना है, या डायरेक्ट भी मुझे मैसेज करना चाहते हो तो मैसेज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बैलेंस शीट बनाते हैं किस केस में, तो सबसे पहले परचेज के केस में बनाएंगे, फिर हम लोग मर्जर के केस में बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आ जाइए बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट तो हम लोग को न्यू कंपनी का बनाना है, तो कौन सा लिमिटेड हो जाएगा यहाँ पे न्यू कंपनी, तो न्यू कंपनी हम लोग के पास है एक्स लिमिटेड, ये एक्स लिमिटेड हम लोग का न्यू कंपनी है ना, तो इस कंपनी का हम लोग क्या बनाना है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट में सबसे पहले जो जो आइटम दे रखा उसी तरह से हम लोग चलेंगे, तो यहां दे रखा है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, अब इक्विटी एंड लाइबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है यहां, तो शेयर होल्डर फंड, अब शेयर होल्डर फंड के बाद क्या आया इसमें, तो सबसे पहला शेयर कैपिटल, फिर आता है हम लोग का रिजर्व एंड सरप्लस, ये आता ना शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, फिर सेकेंड पॉइंट में नॉन करेंट लायबिलिटी जिसमें हम लोग क्या रखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग, और यहां थर्ड नंबर पे करेंट लायबिलिटी, तो करेंट लायबिलिटी में क्या क्या रखा हुआ, तो करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल और अदर करेंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल और अदर करेंट लायबिलिटी, ये तो हम लोग का लायबिलिटी सर का हो गया। इसी तरह से एसेट साइड में, एसेट साइड में आ जाइए क्या क्या दे रखा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट,
उससे पहले नॉन करेंट एसेट, इसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद सेकेंड पॉइंट में नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, फिर सेकेंड में करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट एसेट, सॉरी करेंट एसेट में क्या क्या रखा हुआ है, तो यहां पे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बाद दे रखा हुआ हमने के पास ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के बाद दे रखा हुआ हम लोग के पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और तो कुछ नहीं दे रखा, ये हम लोग का हो जाएगा टोटल। और यहां पे लाइबिलिटी का हम लोग का क्या हो जाएगा, यहां टोटल, यहां पे नोट्स टू अकाउंट, नोट्स, नोट्स नंबर जितना भी होगा वो हम लोग को लिखना होगा। तो चलिए सबसे पहले शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल हम लोग के पास कितना का दे रखा हुआ है, तो शेयर कैपिटल है एक्स लिमिटेड का 72 लाख का, तो यहां लिखते हैं 72 लाख। अब वाई लिमिटेड में कितना दिया गया, सबसे पहले तो एक्स लिमिटेड का 72 लाख जितना था वो हो गया यहां पे। अब वाई लिमिटेड में कितना शेयर कैपिटल दिया गया, तो ये हम लोग जनरलिटी से देखेंगे। तो आ जाइए फोर्थ जनरलिटी में, फोर्थ जनरलिटी में कितना दे रखा हुआ है, तो यहां पे सबसे पहले दे रखा हुआ 70 लाख प्लस में 35 लाख, तो 70 लाख प्लस 35 लाख, और ये 70,000 तक क्या दे रखा हुआ था, ये तो हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा हुआ है, तो हम लोग को 35 लाख और 70 लाख को यहाँ पे ऐड करना होगा शेयर कैपिटल में। तो आ जाइए 35 लाख और 70 लाख, 35 लाख और 17 लाख ऐड कीजिए कितना होता है, तो ये आ गया 72 प्लस 35 प्लस 17, तो ये आ गया 124 लाख। एक पॉइंट में मेरा मिस्टेक हो गया है, जो ये रहा हम लोग का जनरलिटी नंबर फोर, इसे आप लोग ठीक कर लीजिए। अब आप लोग को याद भी रहेगा मेरा मिस्टेक हो गया था इसके वजह से, कि हाँ आप लोग को ऐसा मिस्टेक नहीं करना है। क्या नहीं करना है, तो यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं एक बार। ये रहा हम लोग के पास सेकंड पॉइंट, इसमें देखिए क्या दे रखा हुआ है, इशूड 15% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, तो यहाँ इशू हो रहा है 15% प्रेफरेंस शेयर जो सिर्फ और सिर्फ 100 ईच का है, टू डिस्चार्ज द प्रेफरेंस शेयर ऑफ होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। तो यहाँ देखिए इस टाइम अगर देखा जाए तो इशू प्राइस कितना होगा इसका, तो इशू प्राइस तो यहाँ पे बोल दिया गया कि 10 पे इशू हो रहा है, यहाँ पे इशू प्राइस हम लोग कितना मानेंगे 100 मानेंगे, जो 100 का इशू प्राइस था वही हम लोग क्या मानेंगे 100। बट कितना पेमेंट करना है, कितना पेमेंट करना है सब ये बात आता है, तो पेमेंट हम लोग को कितना करना है, तो 17 लाख का प्रेफरेंस शेयर वाई लिमिटेड का कितना है, तो ये देखिए 17 लाख का है, तो ये जो 17 लाख का है इस 17 लाख में हम लोग को 110% पेमेंट करना है, 110%। ये तो आप लोग पहले भी मैंने बताया था कि 17 लाख का 110% हम लोग को पेमेंट करना है, तो इससे अगर इस टाइम में अगर पेमेंट करना है तो कितना पेमेंट करना है, तो ये हो गया 110, तो ये हम लोग को पेमेंट करना है 18,70,000। बट मिस्टेक क्या था कि हम लोग इशू प्राइस, जो मैंने इशू प्राइस वहां पे 110 लिख दिया था, वो इशू प्राइस कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ कितना होगा 100 होगा। ये बात आप लोग को समझना है कि इशू प्राइस जो होने वाला वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा 100 होगा। तो अगर जब इशू प्राइस 100 हुआ तो इस टाइम में सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, तो आंसर इज नो। जो मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा था कितना लिखा था 1,70,000, ये सिक्योरिटी प्रीमियम वहां पे नहीं आएगा, ये मेरा मिस्टेक था, तो इसे आप लोग ठीक कर लीजिए। करेक्ट में क्या होगा, तो देखिए करेक्ट में यहां पे होने वाला है, सबसे पहले क्या था इक्विटी शेयर कैपिटल, जो इक्विटी शेयर कैपिटल था 3,50,000 इंटू 10, तो यहां पे 3,50,000 इंटू 10 ये तो रहेगा 3,50,000 इंटू 10, और यहां प्रेफरेंस शेयर में हम लोग को कितना लिखना है ये चीज आ गया, तो प्रेफरेंस शेयर में हम लोग को जितना था ये रखा हुआ था 17 लाख था प्रेफरेंस शेयर, और इसमें 110 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंट से, तो जो हम लोग का आया कितना आया 18,70,000, यहाँ पे हम लोग को लिखना है 18,70,000, ना कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम करके हम लोग को लिखना है, बिकॉज इस टाइम में इशू प्राइस जो है, इशू प्राइस और सिर्फ कितना है तो 100 ही है,
जो हम लोग का ये 100 है वही क्या है, इशू प्राइस है। यहाँ पे 110 अगर इशू प्राइस रहता तो उस टाइम में हम लोग कंसिडर करते सिक्योरिटी प्रीमियम का, अदरवाइज हम लोग को यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो ये मेरा मिस्टेक था, जो ठीक होकर के जनरेटी क्या हो जाएगा चौथे नंबर का, फोर्थ नंबर का, तो ये हो जाएगा लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी 53,70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 35,00,000 और टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 18,70,000, जो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे नहीं आएगा। इसी तरह से मर्जर के केस में भी, जो मर्जर का केस है और इस टाइम में भी यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, तो आप लोग इसे काट करके सिक्योरिटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ही आप लोग बढ़ा दीजिए, यह आ जाएगा 18,70,000, ये आ गया हम लोग का 18,70,000। इसी तरह से जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे 35,00,000 तो आएगा ही, प्लस में 18,70,000 भी आएगा, तो ये आ जाएगा 18.70। तो टोटल ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के बाद कितना आता है, 72,00,000 प्लस 35,00,000 प्लस 18.70। ये समझ में आ गया आप लोग को कि वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों नहीं होगा, बिकॉज इशू प्राइस 100 ही दे रखा हुआ है। इशू प्राइस अगर 110 होता तो ही अगर वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम होता, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हम लोग का कितना आ जाता है, ऐड कीजिए आप लोग, देखिए कितना आता है, तो 72,00,000 प्लस 35,00,000 प्लस 18.7, तो ये आ गया 125,70,000, अमाउंट में आ जाएगा 125,70,000। ये हम लोग का आ गया शेयर कैपिटल का। इसी तरह से रिजर्व सरप्लस में देखिए, तो रिजर्व सरप्लस हम लोग को कितने का दे रखा हुआ है, ओल्ड कंपनी का रिजर्व सरप्लस हम लोग को दे रखा हुआ है, सॉरी न्यू कंपनी का, ये है रिजर्व सरप्लस 15,50,000, यहाँ लिख दीजिए 15,50,000 प्लस में, और रिजर्व सरप्लस कहाँ कहाँ से आएगा, तो यहाँ जनरल एंट्री में चेक कीजिए रिजर्व सरप्लस कहीं से आ रहा है कि नहीं, अगर आता होगा तो हम लोग को ऐड करना होगा, अदरवाइज कुछ नहीं करना होगा। तो देखिए फर्स्ट एंट्री जो हम लोग का हुआ था बिजनेस परचेज, तो ये तो कैंसिल हो गया था, लिक्विडेटर भी कैंसिल हो चुका था। फिर सेकेंड एंट्री में हम लोग क्या आया, तो सेकेंड एंट्री में यहाँ पे कैपिटल रिजर्व करके आया, कितना आया कैपिटल रिजर्व, ये रहा हम लोग के पास कैपिटल रिजर्व, तो ये हम लोग का आया है 3,80,000, तो ये कैपिटल रिजर्व हम लोग का ऐड होगा, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए 3,80,000 नीचे में 3,80,000 कहाँ गया, ये हम लोग का ऐड हो जाएगा 3,80,000। और इसके बाद देखिए और भी कहीं है रिजर्व सरप्लस क्या, तो 3,80,000 हो गया। थर्ड एंट्री में तो कुछ है ही नहीं रिजर्व सरप्लस, फोर्थ एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम तो रहा ही नहीं, तो वहां पे भी रिजर्व सरप्लस नहीं हुआ। फिफ्थ एंट्री में देखिए, तो एक बार अमल का मिस्टर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो ये हम लोग का रिजर्व सरप्लस डेबिट हो रहा है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व फिर इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व क्रेडिट हो रहा है, तो एक बार हम लोग को डेबिट करना है मतलब माइनस करना है 3,00,000, और उसके बाद ऐड करना है 2,00,000 प्लस 1,00,000। अगर ये हम लोग नहीं भी करते तभी कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज एक बार रिजर्व यहाँ पे डेबिट हो रहा है, एक बार रिजर्व क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है। तो आप लोग को लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, जैसे भी आप लोग को करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मन हो तो ये लिख दीजिए 3,00,000, माइनस में 3,00,000 लिखना है, और प्लस में हम लोग को लिखना है 2,00,000 प्लस 1,00,000। तो इस तरह से आप लोग को लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ऐड कीजिए कितना आता है, तो 15,50,000 प्लस 3,80,000 माइनस 3,00,000 प्लस 3,00,000, ये आ गया 19,30,000। रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ गया 19,30,000। उसके बाद देखिए नॉन करेंट लाइबिलिटी, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या दे रखा हुआ था, तो यहां पे दे रखा हुआ था नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग जो हम लोग का क्या था डिबेंचर का था, वो कितने का है, तो यहां पे 5,00,000 का है, न्यू कंपनी में 5,00,000 का है, प्लस में ओल्ड कंपनी से कितना आया, तो ये डिबेंचर का हम लोग एंट्री बनाए थे थर्ड नंबर एंट्री, तो यहां भी आया कितना आया, तो यहां पे 3,50,000 यहां भी आ रहा है, तो यहां पे 3,50,000 आ रहा है, ये ऐड कर दीजिए 3,50,000, तो 5,00,000 हो जाएगा प्लस 3,50,000, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, तो 5,00,000 प्लस 3,50,000, तो ये आ गया 8,50,000। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग आ गया 8,50,000। इसके बाद ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल के लिए तो कुछ भी एंट्री नहीं था, तो ट्रेड पेबल हम लोग का ओल्ड कंपनी का न्यू कंपनी का दोनों को ऐड कर देंगे, तो 450 और 350 को हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 4,50,000 प्लस 3,50,000,
ये हम लोग जनरल एंट्री से 3,50,000 लेकर के आए। फिर अदर करेंट लाइबिलिटी में 2 लाख प्लस 1,50,000, यहाँ पे 2 लाख आ जाएगा प्लस 1,50,000, ये हम लोग का आ जाएगा। 2 लाख था हम लोग का न्यू कंपनी का जो दे रखा हुआ बैलेंस शीट में, और ओल्ड कंपनी के जो जनरल एंट्री था वहां से आ गया। तो एक बार के लिए यहाँ भी मार्किंग कर देता हूँ। तो देखिए फिफ्थ एंट्री का तो हम लोग का सब कुछ हो गया, ये अमाउंट सब ले चुके हैं। फिर उसके बाद शेयर कैपिटल का भी हम लोग अमाउंट ले चुके हैं, और ये तो कैंसिल हो गया था लिक्विडेटर वाला, तो लिक्विडेटर वाले को कैंसिल कर दीजिए। और यहाँ पे लिक्विडेटर का भी परचेज कंसिडरेशन भी कैंसिल था, तो परचेज कंसिडरेशन भी यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए। अदर करंट लाइबिलिटी अभी ले चुका हूँ, फिर ट्रेड पेबल अभी ले चुका हूँ, डिवेंचर भी ले चुका हूँ, और डिवेंचर यहाँ पे ले चुका है। तो ये सब सारा तो हम लोग ले चुके हैं, जिसमें मार्किंग कर दिया वो तो ले चुका हूँ। अब उसके बाद क्या क्या बाकी है, तो सिर्फ और सिर्फ हम मेरे को मतलब यहाँ पे हम लोग को एसेट में लेना है, तो एसेट में लेंगे। उससे पहले एक बार ऐड कर दीजिए इसे जो बैलेंस शीट का दे रखा हुआ था। तो ये आ गया 4,50,000 प्लस 3,50,000, ये आ गया 8 लाख। एट लाख के बाद 2 लाख प्लस 1,50,000, ये आ गया 3,50,000। टोटल कीजिए कितना आता है, तो 3,50,000 प्लस 8 लाख प्लस 8,50,000 प्लस 19,30,000 प्लस 12 लाख 1,25,70,000, ये आ गया 165, मतलब 1,65,00,000। ये हम लोग का क्या आ गया, तो लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया। अब इसी तरह से एसेट साइड का टोटल करेंगे, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम लोग को कितना दे रखा हुआ है, तो इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं था, तो यहाँ पे 63,25,000, तो ये लिख दीजिए 63,25,000। और इसमें हम लोग को ऐड करना होगा न्यू कंपनी का जो कितना है 36 लाख, यहाँ 36 लाख। और ये 36 लाख कैसे है, न्यू जो ओल्ड कंपनी से आया, तो वो यहाँ पे जनरलिटी से आया है, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग है, उसके बाद प्लान एंड मशीनरी है, और उसके बाद क्या है फर्नीचर है। एक बार ऐड करके देख भी लीजिए, तो 15,50,000 प्लस 17 लाख प्लस 3,50,000, तो ये हम लोग आ गया 36 लाख। तो आ गया 36 लाख ना। फिर उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, तो हम लोग का ओल्ड कंपनी से कितना है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो ये आया है 5 लाख। और न्यू कंपनी में कितना दे रखा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तो ये हम लोग के पास है 5 लाख प्लस 7 लाख। तो 7 लाख न्यू कंपनी का है, और ओल्ड कंपनी से आया हम लोग का 5 लाख जनरल एंट्री से। तो ये आ गया, जितना भी होगा ऐड करके देख लेंगे। फिर इसके बाद इन्वेंट्री है, तो 12,50,000, और इसमें ऐड करेंगे ओल्ड कंपनी का, तो ओल्ड कंपनी का हम लोग को दे रखा हुआ है 950। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल है 9 लाख और 10,30,000, 9 लाख प्लस 10,30,000, फिर 725 और 520, 725 और उसके बाद है 5,20,000। सबको ऐड कर दीजिए और देखिए तो कितना आ रहा है टोटल होकर के। तो यहाँ पे 63,25,000 प्लस 36 लाख, ये आ गया 99,25,000, 99 लाख और 25,000 एम प्लस में डाल दीजिए। उसके बाद 7,5,12,00,000, तो ये 12 लाख को भी एम प्लस में डाल दीजिए। फिर उसके बाद 12,30,000 और 9,50,000, तो ये आ जाएगा हम लोग का 12,10,22, ये आ गया 22 लाख। इसे भी एम प्लस में डालिए, तो 22 लाख को एम प्लस में डाल दी। उसके बाद 19,30,000, तो यहाँ पे 19,30,000, 19,30,000, इसे भी एम प्लस में डाल दीजिए, तो 19,30,000। फिर 7,25,000 प्लस 7,5,12,00, तो 12,45,000, इसे भी एम प्लस में डाल दीजिए, 12,45,000 एम प्लस एम आर सी करने से 165 लाख, ये हम लोग का आ गया लाइबिलिटी साइड का भी और एसेट साइड का भी। तो एसेट एंड लाइबिलिटी दोनों ही साइड हम लोग का मैच हो गया। इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा जो बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट में बस एक मिस्टेक था, जो क्या था इंटरप्रेट करने में रॉन्ग हो गया था, कि वहाँ इशू प्राइस 100 ही दे रखा था, बट मैंने ले लिया था 110। तो आप लोग को ऐसा गलती नहीं करना है।
अब बैलेंस शीट तो हम लोग का मर्जर के, ये परचेज के केस में हो गया, ये बैलेंस शीट था परचेज के केस में। अब मर्जर के केस में हम लोग देखेंगे, तो आ जाइए मर्जर के केस में देखते हैं बैलेंस शीट मर्जर के केस में। तो ये रहा हम लोग के पास बैलेंस शीट और ये है मर्जर, मर्जर या पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के केस में। तो बैलेंस शीट सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे रुपीज आ जाएगा, और यहाँ क्या आता है तो नोट्स आता है, और यहाँ इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इसमें सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, जिसमें फर्स्ट में शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें नॉन करेंट लाइबिलिटी, जिसमें हम लोग को दे रखा था लॉन्ग टर्म बोरिंग, फिर थर्ड में करेंट लाइबिलिटी, जिसमें हम लोग को दे रखा हुआ है ट्रेड पेबल और अदर करेंट लाइबिलिटी। फिर इसका टोटल कर देंगे हम लोग, फिर एसेट साइड में आ जाएंगे। एसेट में फर्स्ट पॉइंट दे रखा है नॉन करेंट एसेट, इस नॉन करेंट एसेट में फर्स्ट पॉइंट में ए में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, सेकेंड में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फर्स्ट हो गया, उसके बाद हम लोग का है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के बाद क्या था, तो ये हम लोग का करेंट लाइबिलिटी एसेट में था, करेंट एसेट्स, करेंट एसेट में क्या क्या था ये मेरे को याद नहीं है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, और उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल में, तो शेयर कैपिटल में ओल्ड कंपनी का कितना दे रखा हुआ था, उसमें हम लोग को न्यू कंपनी का ऐड करना है। तो शेयर कैपिटल में तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, जो हम लोग का पिछले वाले बैलेंस शीट में था कितना था 125,70,000, तो ये भी हम लोग आ जाएगा यहाँ भी 125,70,000। ये हम लोग का शेयर कैपिटल में तो कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ चेंजेस होता है तो किस में होता है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में होता है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम लोग देखते हैं किस तरह से करना है। तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस जो भी क्या था ओल्ड कंपनी का था वो न्यू कंपनी लेकर के चला गया था, जो भी ओल्ड कंपनी का था वो न्यू कंपनी लेकर के आ गया। तो देखिए इस केस में रिजर्व सरप्लस एक एक करके लिख देता हूं। तो देखिए जनरल रिजर्व हो गया हम लोग का न्यू कंपनी का जो 5 लाख है, प्लस में 3 लाख है, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 750, तो ये लिख देता हूँ 5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 7,50,000। ये तो हम लोग का न्यू कंपनी का दे रखा हुआ है। अब ओल्ड कंपनी का कहाँ से लाना है, तो ओल्ड कंपनी का हम लोग का जो दे रखा हुआ जनरल एंट्री उससे हम लोग लेकर के आते हैं। तो देखिए जनरल एंट्री में सबसे पहले एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व ले लिया था, इन्वेस्टमेंट रिजर्व ले लिया था, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस भी ले लिया गया था। तो यहाँ पे 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 5 लाख, तो ये तो हम लोग को तीनों तो यहाँ पे टेक ओवर किया था। प्लस में जनरल रिजर्व का यहाँ पे बैलेंस क्या होता, तो जनरल रिजर्व का बैलेंस यहाँ पे डेबिट हुआ था 4,20,000। तो हम लोग को 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख को ऐड करना है और 4,20,000 को माइनस करना है। तो चलिए करते हैं 2,15,215 और यहाँ 4,20,000, 2,15 और 4,20,000, 2,1 प्लस 5 और इसमें से माइनस करना है 4.2, ये माइनस करना है। तो इसके बाद कितना आ जाता है रिजर्व, ऐड कीजिए, तो ये आ गया 5 प्लस 3 प्लस 7.5 प्लस 3 प्लस 5 माइनस 4.2, तो ये आ गया 19,30,000। ये हम लोग आ गया 19,30,000 रिजर्व एंड सरप्लस। फिर लॉन्ग टर्म बोरिंग हुई है, तो लॉन्ग टर्म बोरिंग लिख दीजिए कितना आ गया। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग इधर से ही देख लेता हूँ, 8,50,000, 8 लाख और 3,50,000, 8,50,000
बाकी सेम ही हो जाएगा, 8,50,000, फिर 8 लाख जो ट्रेड पेबल था जो हम लोग पिछले पिछले बैलेंस शीट में किए थे, उसी तरह से आप लोग ऐड करके कहेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और इसका टोटल कितना आ जाएगा, तो ये टोटल तो सेम ही आ जाएगा बिकॉज सेम ही दो आइटम लिए हम लोग, तो 12,57,000 प्लस 19,30,000 प्लस 8,50,000 प्लस 8 लाख प्लस 3,50,000, तो ये हम लोग आ गया 16,165,000, ये हम लोग का क्या आ गया टोटल में आ गया। अब ये तो टोटल में आ गया, अब एसेट साइड में, एसेट साइड में भी तो कुछ चेंजेस हुई हैं, तो चलिए जो वहां पे था वहीं पे वहीं लिख देता हूँ यहाँ भी। तो ये था हम लोग का 19,25,000, 99,25,000, उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कितना था, ये था 12,22,00,000, 12 लाख ये हो गया और 22 लाख नीचे हो जाएगा, इन्वेंट्री हो जाएगा 22 लाख। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल कितना है, तो ये है 19,30 और 12,45, 19,30 12,45 ऐड कर दीजिए टोटल, टोटल तो सेम ही लिया तो सेम ही हो जाएगा, तो ये आ गया 19,25,000 प्लस 12 लाख प्लस 22 लाख प्लस 19,30,000 प्लस 12,45,000, तो ये भी आ गया हम लोग का 165 लाख। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट होता है। बस नोट्स टू अकाउंट जब भी बनाओगे आप लोग, नोट्स टू अकाउंट, तो उसमें आप लोग दे देना, क्या दे देना कि हाँ शेयर कैपिटल कैसे आया, प्लस में रिजर्व एंड सरप्लस का आया कैसे आया, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फिर लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी का नहीं दोगे तभी चलेगा, फिर प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसा है, फिर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कैसा है, ये आप लोग को नोट्स टू अकाउंट में बना देना है। वो किस तरह से बनाना है तो ये आप लोग देख लीजिए, इसमें इसका आंसर में देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में जो जो भी रिजर्व सरप्लस दे रखा हुआ था उसके नीचे आप लोग कैपिटल रिजर्व, फिर जनरल रिजर्व, अमोर्टाइजेशन एडजस्टमेंट रिजर्व, एक्सपोर्ट जो भी दे रखा हुआ है वो आप लोग को इस तरह से लिख देना है रिजर्व एंड सरप्लस में। फिर शेयर कैपिटल में भी आप लोग को लिख देना है, वो आप लोग बुक से दे करके देख लीजिएगा कि हाँ किस तरह से लिखना है बाय द वे। और ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हुआ, चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट सम्स।